के घन का योग, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं के घन का योग 1729 आए, तो वो क्या हो जाएंगी, उसकी रामानुजम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे ये लिया गया 10, 10 का घात 3 और 9 का घात 3, तो 10 का घात 3 मतलब 1000, 9 का घात 3 मतलब 1729 बराबर कितना हो गया, 1729 बराबर कितना हो गया 1729। ये क्या है, रामानुजन संख्या है। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके घन का योग, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके घन का योग 1729 के बराबर है, तो क्या है, रामानुजन संख्या कहलाती है। ऐसे ही और बात करें तो 12 का घन 1 का घन, ठीक है, 12 का घन और 1 का घन, 12 का जो घन होगा वो 1728 होगा और 1 का घन 1 होगा, कितना हो गया 1729। परीक्षा में पूछा गया है कि रामानुजन संख्या क्या है, तो रामानुजन संख्या दी रहेगी, उसमें आप उन दो संख्याओं के घन करके घन का योग करिए, घन का योग 1729 आ रहा है, तो वो क्या होगी, रामानुजन संख्या, क्या होगी, रामानुजन संख्या। ठीक, दो संख्याओं के बारे में और जानकारी करते हैं। एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, और इनका हर जो है कंडीशन है कि हर इनका क्या हो, 0 के इक्वल ना, हर इनका जो है 0 के बराबर ना, तथा जो अंश और हर हैं, अंश और हर हैं जो, ये सह अभाज्य संख्याएं, अंश और हर क्या हो, सह अभाज्य संख्या, अंश और हर क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, वो कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ठीक, जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, हर 0 के बराबर ना हो, ठीक, दूसरी कंडीशन अंश और हर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या बताया गया कि जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, ठीक, तो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए शून्य की बात करें तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका हर कुछ नहीं उसका हर हो 1 मान लिया, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, और शून्य पूर्ण संख्या है, मतलब कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक, फिर कहते हैं एक, एक प्राकृतिक संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या, जानिए कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जितनी भी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सभी परिमेय संख्या होती हैं, बट परिमेय संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। जैसे कह दिया जाए 2/3, 2/3, 2/3, तो 2/3 ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, 2/3 जो है परिमेय संख्या है, बट क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या, बट प्राकृतिक संख्या नहीं है, में ते होता है। शून्य परिमेय संख्या, ध्यान रखिए, क्योंकि उसका हर 1 होगा, ठीक है, हर उसका क्या होगा, 1 बनेगा, तो इस कारण शून्य क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, फिर अगली चीज है, इसी में परिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या यहीं पर डिफाइन कर देते हैं कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होगा वो अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे ये पाई,
पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन यही अगर पाई के मान की बात करें, पाई का मान जो है 22/7, पाई का मान कितना है 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। या फिर 22/7 जगह करें 3.14, 3.14 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। कह दिया जाए 4.7 के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाए, मतलब कि इसका रिपीटेशन होगा, बार बार चलता रहेगा। फिर लिख दिया जाए √5 हो जाए, √5, √3, √2, मतलब कि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट अभाज्य संख्या, यदि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट हो निकाला जाए तो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं यदि उन अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला जा रहा है तो सभी अपरिमेय संख्या आएंगी। ठीक है, दशमलव की संख्या लिख के डॉट डॉट लिख दिया गया है, नंबर आगे इनफाइनाइट तक लिखा गया है इस तरह से 7.77777, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। बात इतनी समझ में आई? ठीक, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों को, हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कराइए। पूरा जो है आपको मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, लिपि, लेखपाल स्पेशल की सारी कंप्लीट कराई जाएगी, जो है रोज वीडियो क्रम वाइज सिलेबस के हिसाब से अपलोड होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो होगी या फिर यूट्यूब लाइव वीडियो आपको दी जाएगी। तो इस तरह से ये संख्याओं की बात थी कि संख्या क्या होती है। ठीक है, आगे फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, विभाज्यता का नियम बताएंगे आपको। ठीक, धन्यवाद।